नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। आप थोड़ा सा चौंक गए होंगे कि आज अचानक से आपके सामने कैसे आ गया। तो फिलहाल लॉकडाउन लगभग ओवर हो गया है और इसलिए आज आपके सामने से करंट अफेयर्स आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। वीडियो को देखने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट आज भी 2000 है क्योंकि कल 2000 पूरा नहीं हुआ था, थोड़ा करीब पहुंचे हम जरूर। अगर हम दोनों जगह के वीडियो को मिला लें तो जरूर 2000 पहुंच जाता है। लेकिन यार मैं देखता हूं कि मुझसे छोटा छोटा वीडियो होता है, 15-15 मिनट का, 10-10 मिनट का वीडियो होता है, उस पर लाखों लाइक होते हैं। लाखों मतलब व्यू तो छोड़ दो, लाखों लाइक में चला जाता है वो। फिलहाल मेरी भी कोशिश ये है कि आपको चीजें पसंद आती जाए, आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरता चला जाऊं। एक दिन तो आएगा जब मेरा भी दिन आएगा, चलिए इंतजार करते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 31 जुलाई, आज से जुलाई खत्म हो जाएगी और कल मैं आपको जुलाई का जितना भी करंट अफेयर्स है वो कंपाइल्ड फाइल में कल के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। कोशिश करूंगा कि मंथली वीडियो भी बना सकूं, जब तक नहीं बना पा रहा हूं तब तक आप पीडीएफ से काम चला लो। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि DGCA, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक स्कूल को, एक प्रशिक्षण केंद्र को ड्रोन प्रशिक्षण का लाइसेंस दिया है। किसको दिया है इसके बारे में बात करेंगे और लाइसेंस की जरूरत, वाकई में ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है क्या, इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर और पहली जानकारी जो है वो अभी हाल ही में, आपको पता है कि पिछले साल जनगणना हुई थी, टाइगर जनगणना हुई थी, जनगणना कह रहा हूं, टाइगर की गणना, बाघ गणना हुई थी जिसे कहा टाइगर सेंसस कहा गया। ये अपने आप में अब तक का विश्व का सबसे बड़ा टाइगर सेंसस था क्योंकि इसमें लगभग 28,000 से 29,000 के बीच कैमरे का प्रयोग किया गया था और एक लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया को इसमें स्कैन किया गया था और फिर इसमें पाया गया था कि विश्व की 70% आबादी बाघ की भारत में है। अब भारत में 2,967 टोटल बाघ है। हाल ही में हमारे केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो हैं, वन मंत्री की अगर हम बात करें तो वो आपके प्रकाश जावड़ेकर जी हैं और वन राज्य मंत्री की बात करें तो बाबुल सुप्रियो हैं, द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के बारे में मैंने आपको बताया था कि 29 जुलाई को हर साल हम अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाते हैं। बाघ जनगणना, बाघ संगणना जो भी थी उसकी 2018 की विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ये जो टाइगर सेंसस 2018 था, यह दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप सर्वे ऑफ वाइल्ड लाइफ के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जा चुका है और पश्चिमी घाट, हमारा जो वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी है, लगभग 724 बाघों की संख्या के साथ दुनिया का सबसे बड़ा सतत बाघ आबादी वाला क्षेत्र है। इसमें सतत क्षेत्र नागरहोल, बांदीपुर, बायनाड, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, BRT ब्लॉक शामिल है। बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में 526 पाई गई थी और इस समय देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या है 526। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ पाए गए थे और उत्तराखंड का स्थान 442 रहा था। टाइगर सेंसस की बात करें तो इंक्रीजिंग टाइगर रहा, 2006 में हमारे पास केवल 1411 टाइगर थे और 2018 में 2967 हो चुके हैं और विश्व की 70% आबादी जो टाइगर की है वो भारत के पास है। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो 3.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर किया गया था, 5.22 लाख किलोमीटर फुट सर्वे किया गया था और 3.17 लाख हैबिटेट प्लॉट से यानी कि जो क्षेत्र थे उनको कवर किया गया था और 26,838 कैमरों का प्रयोग किया गया था जिनमें 141 साइट में ये कैमरे लगाए गए थे, तब जाके ये बाघ जनगणना हो पाई थी, बाघ गणना हो पाई थी। मेरे मुंह से जनगणना जरूर निकल रहा है लेकिन बाघ गणना आप समझते रहिएगा, भावना को समझ जाइएगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 526 बाघ, कर्नाटक में 524 बाघ, फिर उसके बाद उत्तराखंड में 442, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 312, असम में 190, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ बाघ नजर आए थे। तो टाइगर सेंसस का एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट जारी की गई जिसमें सब कुछ बताया गया कि कौन सा एरिया है, कितना घनत्व है, इस तरीके से रिपोर्ट जारी किया। अगली जानकारी एक खुशखबरी है कि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है वो 1430 मेगावाट बढ़ गया है और 1430 मेगावाट के आसपास पहुंच गया है। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, अक्षय ऊर्जा स्रोत जैसे कि सूर्य द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेना, हवाओं द्वारा ऊर्जा, पवन ऊर्जा प्राप्त कर लेना, हवा द्वारा ऊर्जा प्राप्त कर लेना, तो इस तरीके से जो रिन्यूएबल सोर्स है मतलब जो अक्षय ऊर्जा है जो हमेशा हमेशा हमारे हमारे पास बने रहेंगे, तो अगर हम उनसे ऊर्जा का विकल्प तलाश लेते हैं तो ये दोनों दो मायने में हमारे लिए फायदेमंद होता है। एक तो इनसे कार्बन उत्सर्जन कम होता है, प्रदूषण कम होता है, दूसरा ये होता है जो हमारे ऊर्जा स्रोत सीमित है जैसे पेट्रोल, कोयला और इवन न्यूक्लियर भी हमारे पास सीमित है,
तो उसका भी उपयोग कम हो जाता है। तो हाल फिलहाल बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को 800 मेगावाट की क्षमता वाली 3 पवन ऊर्जा परियोजनाओं का उद्घाटन किया और देश को समर्पित की। इन पवन ऊर्जा उद्घाटन जो पवन ऊर्जा क्षेत्र है ये तमिलनाडु के थूटुकुडी है, वहां पर तूतीकोरिन में है, वहां पे 250 मेगावाट का एक लगाया गया और इसके अलावा 250 मेगावाट का एक संयंत्र भुज में लगा है और एक 300 मेगावाट का जो संयंत्र है वो भुज में लगा है। तो 250 मेगावाट आपके तमिलनाडु के थूटुकुडी में लगाया गया है, 250 मेगावाट का एक है जो भुज में लगाया गया है और एक और भुज में ही लगाया गया है 300 मेगावाट का। टोटल करेंगे तो 800 मेगावाट की जो अक्षय ऊर्जा पवन ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो गई है। इन परियोजनाओं का विकास सिंगापुर की एक कंपनी है सेम्बकॉर्प इंडस्ट्रीज ने, की भारतीय इकाई है सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड ने किया है। इसके साथ ही ये कंपनी पहली इकाई बन गई है जिसने जितने भी टेंडर हासिल किए थे उन सभी के ऊपर तुरंत काम शुरू कर दिया है, जिसने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जिसे सेकी कहा जाता है, सोलर एस फॉर सोलर ई फॉर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सी फॉर कॉरपोरेशन आई फॉर इंडिया द्वारा आयोजित बोली में हासिल सभी परियोजनाएं समय पर पूरी कर ली है। कंपनी ने तूतीकोरिन परियोजना 3.5 रुपए प्रति यूनिट की दर पर हासिल की थी और सेकी द्वारा दौर की नीलामी में भुज में दूसरे दौर की नीलामी में 2.65 रुपए प्रति यूनिट की दर से 250 मेगावाट और तीसरे दौर की नीलामी में भुज में ही 2.44 रुपए प्रति यूनिट की दर पे ये क्षमता परियोजना हासिल की थी। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये आपकी सेम्बकॉर्प है यानी कि सेम्बकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड है, जिसे आप सील भी कह सकते हैं, ये भारत का एक पावर प्रोड्यूसर कंपनी है जो भारत में बिजली बेचेगा। तो ये सिंगापुर सरकार भी इसमें काफी योगदान दिया और हाल फिलहाल हमारे पास 3 नए यूनिट डेवलप हो गए हैं जो पवन ऊर्जा के लिए है, वो 800 मेगावाट का है। इसके अलावा एक और ऊर्जा संयंत्र है जिसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया था काकरा पार में गुजरात में, जो 700 मेगावाट का एक परमाणु संयंत्र है यानी कि एटॉमिक पावर प्लांट है। काकरापार में वैसे 4 प्लांट लगाए जा रहे हैं जिसमें से एक और दो तो पहले ही आपके काम करना शुरू कर चुके हैं। अब ये काकरापार 3 जिसे कैप 3 बोला गया था इसने अभी हाल ही में काम करना शुरू किया था, लगभग 7 दिन पहले की ये न्यूज है, सूरत में इसे लगाया गया है। तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 के वैज्ञानिकों को पीएम मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि ये प्लांट मेक इन इंडिया का चमकता उदाहरण है। आप इतना याद रखिएगा कि काकरापार जो प्लांट है जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये वर्तमान समय में जो कैप 3 हो गया ना 700 मेगावाट वाला, ये वर्तमान समय में ऑपरेशनल पावर प्लांट में सबसे बड़ा पावर प्लांट है, सबसे ज्यादा क्षमता इसी की है। इससे पहले महाराष्ट्र का था, गुजरात के सूरत से 80 किलोमीटर दूर स्थित 700 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट का विकास और ऑपरेशन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था। तो पवन ऊर्जा की बात हो गई, आगे चलते हैं एयर इंडिया की न्यूज सुनाते हैं आपको। एयर इंडिया में भारत सरकार ने एक घोषणा की है कि एयर इंडिया में जो भी अनिवासी भारतीय हैं अगर वो एयर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूट के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी तक जो भी विदेशी भारतीय होते थे या जो भी विदेशी होते हैं उनको एयर इंडिया में सिर्फ 49% ही इन्वेस्टमेंट करने की छूट मिली हुई है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 49% तक ही अपनी हिस्सेदारी उसमें बढ़ा सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई मानदंडों में संशोधन किया है, जिसके तहत अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया की 100% हिस्सेदारी की अनुमति मिल जाएगी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सरकार के इस हालिया निर्णय का मुख्य उद्देश्य एयर इंडिया की जो खस्ता हालत है उसमें रणनीतिक निवेश लाना, उसमें पैसा लाना और प्रक्रिया को और अधिक सरल और आकर्षक बनाना है ताकि एयर इंडिया में लोग पैसे लगाएं और एयर इंडिया जो इस टाइम नकदी की कमी से जूझ रही है, जो परेशानी में है, वो उसमें थोड़ा सा उबर गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा अधिसूचना में कहा गया कि अनिवासी भारतीयों के अतिरिक्त एयर इंडिया में कोई भी विदेशी निवेश जिसमें विदेशी एयरलाइन द्वारा किया जाने वाला निवेश भी शामिल है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 49% से अधिक नहीं होगा। इस अधिसूचना से पूर्व अनिवासी भारतीय यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन जिन्हें हम एनआरआई भी कहते हैं भी एयर इंडिया में केवल 49% की हिस्सेदारी पर ही अपनी बोली लगा सकते थे। एयर इंडिया की बात करें तो यह भारत की प्रमुख विमानन सेवा है, यह भारत सरकार की चलाई हुई 2 विमान सेवाओं में से एक है। एयर इंडिया का कार्यवाहक केंद्र मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसकी स्थापना जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा ने की थी।
इसकी स्थापना जुलाई 1930 में मुंबई में की गई थी और अभी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एयर इंडिया के वर्तमान समय में जो हेड है या जो डायरेक्टर है वो है राजीव बंसल। राजीव बंसल वर्तमान समय में एयर इंडिया के हेड है। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, ये एशिया क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे नया बैंक है और इसका जो पूरा का पूरा समर्थन है, इसका जो विचार था वो चाइना से आया है, कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। AIIB का जो पूरा मेन उद्देश्य है वो आप चाइना के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऊपर भी ले सकते हैं। AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के जरिए चाइना ने कई सारे देशों में अपना पैसा लगा रखा है। फिलहाल हमें उधर नहीं जाना है, अभी इनकी हाल ही में 5वीं बैठक हुई है, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो AII 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट द नेक्स्ट डिकेड विषय पर एक गोलमेज चर्चा हुई है। AIIB 2030 सपोर्टिंग एशिया डेवलपमेंट द नेक्स्ट डिकेड, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक का आयोजन हर साल बैंक के भविष्य को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्णयों को लेने के लिए किया जाता है। बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत सरकार द्वारा COVID-19 से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों, जैसे $23 बिलियन की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और $295 बिलियन की आत्मनिर्भर भारत योजना के सहित विभिन्न प्रयासों से उनको अवगत कराया। AIIB की बात करें तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी, व्यापार के लिए ओपन हुआ, वैसे जून 2014 में इसको स्थापित कर लिया गया था। वर्तमान समय में 103 देश जो हैं वो इसमें सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है मिस्टर जिन लिक्विन। मिस्टर जिन लिक्विन वर्तमान समय में AIIB के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष है। अगली जानकारी, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था कि भारत में सबसे पुराने फ्लाइंग क्लबों में से एक है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब, को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल बनाया गया है। ड्रोन क्योंकि हवाई से संबंधित है, हवाई यात्रा से संबंधित है, हवाई आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने से संबंधित है, तो अगर ये किसी के लिए प्राइवेसी का भी हनन हो सकता है, किसी के लिए सुरक्षा के खतरा, किसी की सुरक्षा के लिए खतरा भी बन सकता है, तो DGCA ये पूरे भारत में एक नियामक संस्था है जो उड़ान से संबंधित या विमानन से संबंधित किसी भी तरह के सेफ्टी इशू के लिए नियम बनाती है और नियम उल्लंघन होने पर या कोई दुर्घटना होने पर उसके बारे में जांच भी करती है। बात करें तो DGCA ने रिमोट पायलट वाले, रिमोट पायलट का मतलब यह होता है कि आप रिमोट के जरिए उस प्लेन को उड़ाएंगे। आपने देखा होगा शादी वगैरह में आपने ड्रोन देखे होंगे, वो छोटे छोटे ड्रोन है, लेकिन अब ऐसे ड्रोन भी हो गए हैं जो बहुत चालाक हैं, बहुत स्मार्ट हैं, इवन किसी दूसरे देश के ऊपर हमला करने में भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। तो ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए बकायदा लाइसेंसिंग व्यवस्था की जाए, ऐसा नहीं कि कोई भी ड्रोन उड़ाना शुरू कर दे। तो DGCA ने रिमोट पायलट वाले विमान प्रणालियों के लिए रिमोट पायलट प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए क्लब के आवेदन को मंजूरी दे दी है। सभी ड्रोन को अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के साथ पंजीकृत होना चाहिए और ड्रोन पावती संख्या प्राप्त करनी होगी, यानी कि उनको ड्रोन का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर प्राप्त करना होगा। तो फिलहाल बॉम्बे फ्लाइंग क्लब ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र बन गया है। DGCA की बात करें तो जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है अरुण कुमार, जो DGCA के वर्तमान समय में डायरेक्टर है। इसके अलावा DGCA के एक डायरेक्टर थे EK भूषण, उनको एक टाइम विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन के ऊपर कुछ कार्रवाई करने के लिए उनको इस पद से हटा दिया गया था। अभी तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री समर्थित कोई भी कमेटी हो उसमें से एक बड़े अधिकारी को ऐसे ही हटा दिया जाए, लेकिन उनको हटाया गया था। फिलहाल वो 2012 की न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज है, अचानक मुझे याद आ गया। नागर विमानन महानिदेशालय की बात करें तो यह एक सर्वोच्च संस्था है, यह सरकार की नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नागर विमानन एक नियामक संस्था है या निदेशालय विमानन दुर्घटनाओं और अन्य संबंधित घटनाओं के बारे में जांच करता है। इस वैसे तो इसका मुख्यालय क्षेत्र जो है वो नई दिल्ली में है और वर्तमान समय में आपके जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी, ये राज्य मंत्री हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के। अगली जानकारी तब चलें, ये भी थोड़ी सी उड़ान से संबंधित है। तो उत्तराखंड में पवन हंस की पहली उड़ान RCS सेवा का शुभारंभ हुआ। पवन हंस की बात करें तो पवन हंस भारत की एक प्रमुख विमानन कंपनी है। 1985 में इस कंपनी का गठन किया गया था, पहले इसका नाम हंस हेलीकॉप्टर हुआ करता था, फिर इसका नाम पवन हंस हेलीकॉप्टर कर दिया गया। इस कंपनी में जो ऑफशोर आपके तेल शोधन कारखाने हैं ONGC वगैरह के,
तो समुद्र से उधर जाने के लिए व उधर से इधर आने के लिए खासकर इनका इस्तेमाल किया जाता है और इनका बड़ा इस्तेमाल पूर्वोत्तर राज्यों में भी किया जा रहा है। तो उड़ान आरसीएस का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, UDAN, उड़े देश का आम नागरिक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें आम नागरिक को भी सस्ती दरों पर विमानन सेवा का उपलब्ध कराया जाना है। ये स्कीम 2017 में शुरू हुई थी और अब इसके 5 फेज हो चुके हैं। इन सभी फेज में क्या किया गया है कि धीरे धीरे जो भी हवाई अड्डे हैं लोकल लेवल पर उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाया गया है, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसमें पवन हंस हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। तो पहली हेलीकॉप्टर सेवा है जो उड़ान आरसीएस के अंतर्गत की गई है, ये उत्तराखंड में शुरू हुई है और इस अवसर पर आपके विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हेली सेवा की शुरुआत और इन नए रूटों के खुलने से राज्य के लोग ज्यादा नजदीक आएंगे और क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। नई हेली सेवा की शुरुआत से उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के बीच हवाई संपर्क बढ़ेगा और औसत यात्रा का समय 20 से 25 मिनट घट जाएगा। इसे चार धाम यात्रियों के लिए भी यात्रा आसान हो जाएगी। पवन हंस लिमिटेड इस रूट पर सप्ताह में 3 दिन हेलीकॉप्टर सेवा का परिचालन करेगी और इस सेवा से देहरादून, नई टिहरी, श्रीनगर, गोचर के बीच संपर्क सुनिश्चित होगा। क्योंकि उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो है ये आपका 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में सामने आया था। इसका गठन उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको किया गया था। वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य गवर्नर है। उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं वर्तमान समय में, एक देहरादून और एक गैरसैन। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं ये है अर्चना सोरिंग, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। इनको अभी हाल ही में, पहले तो ये पर्यावरण भारतीय जलवायु कार्यकर्ता है और पर्यावरण कार्यकर्ता है, इनको संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने अब बोला है कि आप मेरे एडवाइजरी बन जाओ, आप देखो आपके एरिया में क्या दिक्कत है, किस तरह की समस्याएं हैं और उनसे किस तरीके से निपटा जा सकता है, तो आप मुझे सलाह दो इन सब मामलों में। जो भी जलवायु से परिवर्तन से संबंधित मुद्दे हैं उनके बारे में इनको सलाह के लिए नियुक्त किया गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अर्चना सोरेंग को यूएन चीफ के न्यू एडवाइजरी ग्रुप में जगह दी गई है जिसमें युवा नेता शामिल हैं जो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए अपने दृष्टिकोण और समाधान प्रदान करेंगे। वैश्विक निकाय कोविड-19 से उबरने के प्रयासों के तहत जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कार्य को गति देने का प्रयास कर रहा है। इस कदम के साथ अर्चना सोरेंग दुनिया भर के 6 अन्य युवा जलवायु नेताओं में शामिल हो गई हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने जलवायु परिवर्तन पर अपने नए युवा सलाहकार ग्रुप में जगह दी है। अर्चना सोरेंग का संबंध उड़ीसा से है, ये बात जरूर याद रखिएगा। अगली जानकारी, इनको तो पहचानते ही होंगे, यह है स्टुअर्ट ब्रॉड। वो मैच आज भी नहीं भूलता जब युवराज सिंह ने इनको 6 छक्के मारे थे। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड ने यह मुकाम वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए 3रे टेस्ट के 5वें दिन हासिल किया। क्रेग ब्रैथवेट स्टुअर्ट ब्रॉड के 500वें टेस्ट शिकार बने। ब्रॉड ने यह उपलब्धि हासिल करने वाले एंडरसन के बाद इंग्लैंड के दूसरे गेंदबाज और सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों की सूची में 7वें नंबर पर है। सबसे ऊपर है मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका के, जिन्होंने 800 विकेट लिए हैं अभी तक टेस्ट में। शेन वॉर्न ने 708 विकेट लिए थे, फिर उसके बाद भारत के अनिल कुंबले और फिर जेम्स एंडरसन 589, ग्लेन मैग्रा 563 एंड कॉर्टनी वॉल 519 है, जिसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड का नंबर आता है जिन्होंने 500 विकेट ले लिए। अगली जानकारी है, यह है बांग्लादेश के पेसर काजी अनिक इस्लाम को 2 साल का बैन दिया गया है डोपिंग की वजह से। बांग्लादेशी तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2018 में हुए डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। काजी जो 2018 अंडर-19 विश्व कप में बांग्लादेश के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें उसी वर्ष एक राष्ट्रीय क्रिकेट लीग खेल के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथामफेटामाइन का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और 21 वर्षीय खिलाड़ी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। उनको 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से लागू हो जाएगा। तो नाम है काजी अनिक इस्लाम, गेंदबाज है बांग्लादेश के, 2 साल के लिए डोपिंग की वजह से इनको प्रतिबंध झेलना पड़ेगा। अब बारी है आज के वन लाइनर की। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भागों की संख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश, 526। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा बना? बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड की तीनों पवन ऊर्जाएं कितने मेगावाट की बन रही हैं? 800 मेगावाट की हैं, जिसमें से एक 250 मेगावाट की तमिलनाडु के थूथुकुडी या थूथुकुडी में ही है और दो भुज में है, वहां पे भी एक 250 और एक 300 मेगावाट की है। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
के मानदंडों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अनिवासी भारतीयों को एयर इंडिया की प्रतिशत हिस्सेदारी कितनी दी सकती है, तो वो 100% हिस्सेदारी दी जा सकती है। मैनहोलों को साफ करने के लिए नवीन तकनीक, अभी हाल ही में रोबोट की एक खरीद के लिए गुवाहाटी के पूरे शहर में ये तीसरा है। एक्चुअल में एक न्यूज ये थोड़ा सा स्किप हो गई है, क्या हुआ है कि असम के गुवाहाटी में एक रोबोट है, उसका नाम रखा गया बैंडीकूट। ये न्यूज स्किप हो गई है। बैंडीकूट नाम का एक रोबोट है, वो मैन होल को साफ करेगा। फिलहाल ये ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने पहले बार किया है, गुरुग्राम और आपके हरियाणा के बाद यहां पर ये जो तीसरा शहर है कौन सा, असम का गुवाहाटी, जिसने इस रोबोट की खरीद की है जो मैन होलों को साफ करता है। यानी कि मैन होलों को साफ करने के लिए अब आदमी को अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रोबोट जरिए इसे साफ किया जा सकेगा। उड़ान आरसीएस योजना के अंतर्गत किस राज्य में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया, तो यह उत्तराखंड में किया गया है। और भारतीय जलवायु कार्यकर्ता अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार के समूह में शामिल किया है। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले सातवें गेंदबाज बने हैं। तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। वो किस देश के खिलाड़ी हैं, वो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। अब बारी है आज की क्विज की, AIIB का मुख्यालय कहां है। अभी हाल ही में AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक हुई, वर्चुअली आयोजित हुई, लेकिन इसका मुख्यालय बीजिंग में है। 2016 से ये बैंक अस्तित्व में है और जिन लेकिन वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट हैं। पर्यावरण मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में बाघों की आबादी सबसे अधिक है, तो मध्य प्रदेश में। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा मान्यता प्राप्त भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण स्कूल कौन सा है, तो वह है बॉम्बे फ्लाइंग क्लब। और सेमकॉर्प एनर्जी इंडिया लिमिटेड की तीनों पवन ऊर्जा परियोजनाएं कितने मेगावाट की क्षमता से देश को समर्पित की गई हैं, तो ये 800 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं हैं। केंद्र सरकार ने नागरिक विमानन से संबंधित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मानदंडों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अनिवासी भारतीय अब 100% तक एयर इंडिया में निवेश कर पाएंगे। मैनहोलों को साफ करने के लिए नवीन तकनीक, रोबोट की खरीद के लिए गुवाहाटी पूरे देश में कौन से नंबर पर रहा, यह तीसरा शहर है जो इस तीसरे नंबर पर आया है। और रोबोट का नाम बंदीकूट है। उड़ान आरसीएस योजना के अंतर्गत किस राज्य में पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया गया है, तो उत्तराखंड। भारतीय जलवायु कार्यकर्ता किनका नाम, अर्चना सोरेन को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अपने नए सलाहकार समूह में शामिल किया है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टुअर्ट ब्रॉड ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले ये कौन से गेंदबाज बन गए, 7 अभी तक सबसे ज्यादा विकेट 800 विकेट हैं मुरैया मुरलीधरन के नाम। तेज गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम पर राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं, तो वह आपके इंग्लैंड के खिलाड़ी, ना बांग्लादेश के खिलाड़ी, इंग्लैंड का तो स्टुअर्ट ब्रॉड है, काजी अनिक इस्लाम बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करते हैं ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।